क्या स्थिति है कोरोना की जनपद में? टोटल 12 केसेस कोरोना के इस समय पॉजिटिव आए हैं, और अच्छी बात यह है कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पहले से ही कॉन्टैक्ट कर लिया था। पहले पेशेंट जो कि थे, उन्होंने जिसका अस्पताल में इलाज किया था, उनके यहाँ से जो पेशेंट के जो पति थे और उनके जो रिलेटिव्स थे वो कालपी के भी थे, वो लोग जब पेशेंट डिस्चार्ज हुई डिलीवरी होने के बाद 14 तारीख को, तो वो लोग एक साथ आके घर पे रहे, तो वही उसमें से 5 लोग जो है कालपी में पाए गए हैं और एक व्यक्ति उसमें से कदौरा पाया गया। इन सब की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके इलाकों को सील करके जो है कार्रवाई की जा रही है। बाकी एक पेशेंट जो नोएडा से जुड़ी हुई थी, उस मोहल्ले को भी सील ऑफ कर चुके हैं। हम लोग भी कल वहाँ गए थे, देखा था हमने उस क्षेत्र को, तो वहाँ पे भी 4 लोगों की कराई गई थी, जो एक पेशेंट के 3-4 भाई थे उनका कराया गया था, वो 5 पॉजिटिव आए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने और एक पेशेंट को देखा था, जो कि आप जान रहे हैं कि जो गले में दर्द की वजह से आया था, तो उसका कॉन्टैक्ट कई सब्ज़ी वालों से था, उनमें से एक सब्ज़ी वाले का जो है पॉजिटिव आया है, उसको अभी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वो सब्ज़ी वाला जो है वो विकास नगर में भी जो है उसने सब्ज़ी बेचा होगा, तो हमारे पब्लिक से ये भी अनुरोध रहेगा कि जिन्होंने भी उससे जो है सब्ज़ी ख़रीदा हो उससे वो सामने आ जाए। और ये हमारे 11 पेशेंट ये हुए जो पॉजिटिव आए हैं। एक पेशेंट हमारे पुलिस लाइन के हैं कांस्टेबल, ये आगरा में गए थे, आगरा में इनको जो है अभी ये 3-4 दिन पहले छुट्टी से आए वापस, तो जैसे ही आगरा से वापस आए इनकी टेस्टिंग कराई गई तो ये पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इनके सैंपल्स के अलावा जो इनके कॉन्टैक्ट थे यहाँ पे भी और आगरा में भी, वहाँ हम लोग जो है सूचित कर रहे हैं। एक पेशेंट हमीरपुर ज़िले का है, उसने कान्हा में जो है 6 तारीख को डायलिसिस कराया था अपना, 6 अप्रैल को, और वो पुनः डायलिसिस कराना चाहता था, तो उसकी टेस्टिंग हमने कराई, वो रहता चिल्ली हमीरपुर में है, उसके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, उसने सैंपल लिया था बस हमारे यहाँ पे। सर जनपद में टोटल कितने केस हो चुके हैं? टोटल जनपद में इस समय 24 केस है, और जिसमें से 2 लखनऊ में है और बाकी आपके झांसी में है। इस समय हम लोगों ने ऊपर बात किया है कि बाकी पेशेंट्स को हमें कहाँ भेजना है।